नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डीकेटी क्लब में। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक इस तरह की ये वाला मल्टीमीटर था, इसकी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाई। इसके अंदर का क्या सिस्टम होता है वो सभी कुछ आपको उस वीडियो में मैंने दिखाया। तो उस वीडियो में आपके कमेंट थे कि मल्टीमीटर को, जो ये एनालॉग मल्टीमीटर होता है, हमें इसके डायल को कैसे रीड करें, हमको कैसे पता चलेगा कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितना रेजिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों को जानेंगे। मैं यहाँ पे आपको चार टॉपिक मेन होते हैं जो उनको क्लियर करूंगा, जैसे आपके एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी और बजर। ये पांच टॉपिक हैं, सॉरी चार पांच टॉपिक आपके पूरे कंप्लीट करूंगा। मल्टीमीटर जो दो टाइप के आते हैं, एक इस तरीके के आते हैं। इसके अंदर तो बहुत सिंपल होता है कि आप इसे घुमा के सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर डिजिट आ जाती है। इसमें कोई डायल नहीं होता और ना ही इसमें कोई सुई होती जो ऊपर उठेगी, लेकिन इसके अंदर सुई होती है और यहाँ पर डायल होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम दिए होते हैं, जैसे ये ऊपर वाला, उसके नीचे डीसी वोल्टेज, ओके, फिर यहाँ पे एसी 10 वोल्टेज, ऊपर भी एसी, एचएफई और आईसीईओ, इस तरीके के यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो आज हम बात करेंगे, चार पांच चीज़ की करेंगे। तो यहाँ पे जो ये हैं एचएफई, आईसीईओ, एलवी, इनकी बात नहीं करेंगे, इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल ऊपर ऊपर के जो मेन चीज़ होती हैं, बेसिक, जो कि एक बिगिनर्स को ज़रूरत पड़ती है, यानी एक अगर आप मैकेनिकल या आपकी इलेक्ट्रिकल की दुकान है तो उस पर भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है इसी चीज़ का, इसका कोई खास ज़रूरत नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, ये जो HFE है इसको समझ लो थोड़ी देर। तो ये है अपने सेमीकंडक्टर को चेक करने के लिए, जैसे अपने डायोड हो गए, ठीक है, अपने ट्रांजिस्टर हैं, MOSFET है, IGBT है, इस तरह की चीज़ को टेस्ट करने के लिए, जो है जाँच करने के लिए उनकी, ये HFE दिया होता है। तो अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं HFE की भी बता दूंगा, लेकिन उसको बताना थोड़ा लॉन्ग होता है। अगर इसी वीडियो में लगा दूं तो वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो आज हम बात करते हैं इन्हीं चार पांच टॉपिक की, तो यहाँ पे जो सबसे पहले बात करते हैं वो इस आपको दिखा दूँ। सबसे पहले जो बात करते हैं वो है रेजिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक जो नापते हैं हम रेजिस्टेंस नापते हैं, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो है यहाँ से हम शुरू करें इसको, तो इसको जो शुरू करते हैं यहाँ से शुरू करते हैं। अगर जिधर ये आपका कट दिखे वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वही आपका सेलेक्टर है जहाँ पे ये पॉइंट हो। तो सबसे पहले जो बात करते हैं फ्रेंड्स, उससे हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो आपको बता दूं, जैसे 1 ओम तक की रेजिस्टेंस हम यहाँ पे चेक करते हैं, 1 ओम से, और जो 10 ओम की रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ पे करते हैं, 10 ओम से 100 ओम तक की रेजिस्टेंस को यहाँ पे, फिर यहाँ से 10 से 100 हो गया, अब 100 से 1000 हो गया। 1K का मतलब होता है 1000, K का मतलब किलोवाट, ठीक है, किलो। तो 1K यानी 1000, 100 से 1000 तक की जो रेजिस्टेंस है हम यहाँ पे चेक कर लेंगे 1K पे, और उससे ऊपर की जो रेजिस्टेंस होंगी वो यहाँ पे चेक करेंगे हम 10K तक। तो फ्रेंड्स, ये हो गए। तो हम इससे फ्रेंड्स बहुत सारी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, यानी पॉइंट में भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने पॉइंट किया, जैसे 2.2, 2.3। तो इतना ये सब लिखना इस डायल पे संभव नहीं है कि इतनी सारी इन्होंने डिजिट लिख दी जाती, तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि इसके अंदर स्पेस की बहुत कमी है। तो जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस का सबसे ऊपर वाला डायल होता है, जो सबसे ऊपर वाला आपको डायल दिख रहा है ये, और जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं आपको, ये रेजिस्टेंस के नंबर होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको देखिए डिवाइड किया आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। इसमें आपको रेजिस्टेंस जो मेजर करनी है वो इसका और इसका दोनों का वैल्यू, यानी इनका जो है इनटू लेके और इसकी वैल्यू फाउंड करके, फिर उन दोनों का गुणा करके तब रेजिस्टेंस निकलती है। और मैं आपको इतनी आसान तरीका बताऊंगा कि आज तक आपको यूट्यूब पे या कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो वीडियो ये भी उन्हीं के लिए है, क्योंकि ये जो मल्टीमीटर है इसके बहुत कम वीडियो मिलेंगे आपको यूट्यूब वगैरह पे, इंटरनेट पे, और मिलेंगे तो वो भसड़ ही मिलेगी आपको, इतनी अच्छी तरीके से कोई नहीं बताएगा। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, इसके स्केल को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिखाया है। सेम ये स्केल मैंने यहाँ पे बनाया है, बिल्कुल जो इसके अंदर लकीर हैं, डंडे हैं, उतने ही सेम मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो, मैच कर लो, 0 से 1, 1 से 2 के 4 हैं, और 2 से 3 के 4 यहाँ पे, और 3 से जो है 5 तक के। तो यहाँ पे जो ये 4 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने लिख दिया 3, 4, 3, 3.5, 4, और ये वाला जो 4.5, 4 का। तो आपको इस तरीके से डिवाइड दे के पता करना है, वो भी तरीका आपको बता दूँ, थोड़ी वीडियो लंबी तो हो जाएगी, आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ। जैसे 0 से 1 तक का कितना अंतर है 1 नंबर का, ठीक है, 0 से 1 जाओगे आप, और उसके अंदर इन्होंने दिए हुए हैं कितने डंडे, 10 डंडे, ठीक है। तो 0, तो 1 डंडे की वैल्यू अगर आप 1 को 10 से भाग करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.10,
ये वैल्यू होगी आपकी। तो आप देखो, मैंने एंड्स देखते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। तो पहला डंडा हो गया 0.10, फिर ये 0.20, देखिए ये वाला 0.20 हो गया, ये 0.30 हो गया, इसका ये जा रहा, और यहाँ पे 0.30 आप देख सकते हो, 0.30, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया क्योंकि इसको छोड़ दिया, 0.40, ये 50, और ये 60, ये 70, और ये 80, ठीक है, यहाँ पे 18 तक जा रहा है, 0.80, और ये 90, और ये 100, तो इस तरीके से ये एक हो गया। तो आपको इसी तरीके से देखना है, कोई भी देख लेना है, जैसे आपको यहाँ भी समझा दूँ, और ये मैंने आपको दिखा दिए सारे, इनको आप समझ सकते हो, अब मैं एक एक को बताऊँगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, तो आप इसको समझ लो, स्क्रीन शॉट ले लो, तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो, मैंने सभी बताए हुए हैं, जैसे आपको यहाँ दिखा दूँ 20 से और 30, यानी 20 से 30 के बीच की जो कितने डंडे हैं, 5, और दूरी कितनी है 10, तो अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी है, ये हमारी 2, तो यहाँ पे जो डंडे हैं ये 2 के अंतर पे हैं, 22, 24, और ये हो गया आपका 26, 28, और ये 30, तो इस तरीके से हैं, ये इनकी रेजिस्टेंस नहीं है, ये इनका वैल्यू है, एक डंडे की जो एग्जिट वैल्यू है वो दी है मैंने आपको निकाल के। तो आपको इस तरीके से डायल को देखना है, जैसे आपको यहाँ दिखा दूँ, जैसे 100 से यहाँ से 50 से 100, तो डंडे कितने बीच में, 1, 2, 3, 4 और 5, तो एक डंडे की जो वैल्यू पड़ी वो 10 पड़ी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 50 से 100 के बीच की 60, 70, यहाँ पे लिखा हुआ है 70, ये 80 हो गया, ये 90 हो गया, और ये 100 हो गया। अब 100 से 200 की देखो आप, तो देखो 100 से 200 के बीच में इन्होंने क्या डंडे दे रखे हैं, 4, यहाँ से एक डंडा गुम है, यहाँ पे शायद प्रिंट नहीं हुआ लेकिन मैंने यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी कितनी पड़ी, यानी आपके 4 डंडे और वैल्यू है 100 का अंतर है, तो 100 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 4, तो इक्वल जितने आपके डंडे हैं ना फ्रेंड्स, उससे आपको भाग लगा देना है, बीच की दूरी में डिवाइड कर देना है, तो 25, एक डंडे की वैल्यू कितनी है 25, तो आप देखो यहाँ से 125, यहाँ डंडा होता 125, 150, 175 और 200, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आपको, यहाँ से यहाँ तक की जो है ये 125, 150, 175 और 200। अब 200 से 500 डायरेक्ट आप इसमें देख सकते हो, और 500 से 1000 है, यहाँ पे आप देखो 200 से 500 कोई बीच में डंडा नहीं, और 500 से 1000, अगर उससे ऊपर जाता है तो ये आपका इन्फिनिटी हो गया। तो अब फ्रेंड्स रेजिस्टेंस चेक करते हैं, प्रैक्टिकली मैंने आपको थ्योरी बता दी। फ्रेंड्स जब भी आप रेजिस्टेंस चेक करो, पहले सबसे नीचे रखना है, फिर उसके बाद अपनी दोनों प्रोब्स इस तरीके से मिला के, और आपको जीरो एडजस्ट करना है, इसको घुमा के, ये जीरो एडजस्ट करने के लिए होता है, इससे जीरो हम एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये अपनी जीरो एडजस्ट हो गई। तो यहाँ पे जीरो एडजस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपनी मल्टीमीटर की प्रोब्स अपने रेजिस्टेंस पे लगानी है, और आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस इसको प्रोब्स को दोनों हाथों से न पकड़ें, केवल आप एक उंगली टच करा सकते हैं लेकिन एक को नहीं कराना। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टच कराता हूँ, तो आप देखिए अपना जो रीडिंग है वो 200 के आसपास दिखा रही है, यानी 1:1 करने पे अपना जो 200 के आसपास जाके ये रुक जा रही है, देखिए 200 से बिल्कुल नेक आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये 200 के आसपास की रेजिस्टेंस है, अगर हमने यहाँ पे 1 में इसको फिट कर रखा है। तो अब इसको कर देते हैं हम 10, यहाँ पे मैंने 10 कर दिया। अब आपको देखना है इसको जो है, इसकी वैल्यू अब आएगी आसानी से। तो यहाँ पे जब मैंने इसे टच किया और यहाँ पे टच कराया, तो ये कहाँ पे जाके रुक गई अपनी, आप देख सकते हो 20 से एक डिजिट आगे, थोड़ी सी आगे ये रुक रही है, आपको देख, ये देखिए मैंने इसको टच कराया और ये 20 से एक डंडा आगे, देखिए 20 से एक, तो यहाँ पे जाके रुक गई। अब आपको देखना है 20 से आगे और 20 और 30 के बीच में रुक रहा है ये एक डंडा आगे, तो यहाँ पे आके 20 और 30 के बीच में था, यहाँ पे आके ये रुक गया। अब देखो एक डंडा आगे यहाँ पे रुक रहा था ये, तो यहाँ पे इससे इस डंडे की जो वैल्यू आई वो आई 22, और हमने इसको फिट कितने पे कर रखा है 10 पे, तो 10 × 22 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 220। अगर हम 22 का गुणा 10 में करेंगे, यहाँ पे हमने 10 फिट कर रखा है और यहाँ पे हमारी कितनी आई 22, तो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो हो गई 22 ओम, 220 ओम। आप इसका देख सकते हो रेड और ब्राउन, ये ब्राउन है, तो रेड ब्राउन की आपको पता होगा 22 होती है। अब फ्रेंड्स देखिए मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है, ये 1 kΩ की रेजिस्टेंस है, तो हम इसे यहाँ भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट देखिए 1 पे चेक करके दिखा दूँ, 1 पे फिट कर लिया और इसको एडजस्ट 0 कर देता हूँ यहाँ पे,
आपको प्रैक्टिकली, तो देखिए वन पे भी यहाँ जाएगा ये, एक का जो ये वन के का डंडा है ना, यहाँ तक जाएगा ये, आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, इस पर लगाया देखिए बिल्कुल उठ रहा है, यानी वन तक जा रहा है। वन के को हम तो इससे पता चल गया हमारा कि ये वन के किलो ओम की रेजिस्टेंस है, अगर ये वन तक जा रहा है। लेकिन हम इसकी और अच्छी तरीके से वैल्यू टेस्ट करने के लिए या तो हम इसे यहाँ पे फिट कर देंगे या फिर हम इसे यहाँ पे फिट कर देंगे, यहाँ पे या यहाँ पे। तो मैं पहले 10 पे फिट कर लेता हूँ। और जब भी आप कोई भी सिलेक्टर स्विच चूज करो तो आपको पहले इस तरीके से दोनों प्रोब्स लगानी है, उसके बाद जो है अपना जीरो एडजस्ट करना है इसे घुमा के। तो ये जीरो एडजस्ट हो गया, अब आपको इसकी वैल्यू दिखा दूँ। तो ये देखिए इसकी वैल्यू है, जो दिखा दूँ आपको कहाँ तक जा रही है, 100 तक। तो 100 तक जा रही है, ये अपना 100 हो गया, यहाँ पे 100 डला हुआ है। यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे आके रुक रही थी इसकी, जो प्रोब्स दिखा दूँ आपको कहाँ पे रुक रही थी पास से, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं अकेला यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखिए 100 पे आके रुक गई। और हमने इसको फिट कितने पे कर रखा है, 10 पे। तो 100 × 10 करेंगे तो कितना हो गया हमारा, 1000 ओम। 1000 ओम कितना होता है, 1 किलो ओम। तो अब इससे और भी रेजिस्टेंस चेक करके दिखा दूँ आपको, जैसे मेरे पास और भी हैं। तो ये मेरे पास है देखिए 12 किलो ओम की, 12 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो मैं आपको इसे भी चेक करके दिखा दूँ। तो इस पर जो है हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, और देखिए मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखा दूँ तो क्या होगा, जीरो एडजस्ट करने के बाद, ये जीरो एडजस्ट कर ली मैंने, तो ये बिल्कुल 1 किलो से के आगे जाएगा थोड़ा सा, लेकिन हमको पता नहीं चल पाएगा। देखिए 1 किलो की जो रेंज है उससे आगे जा रहा है, इन्फिनिटी के पास आके रुक जा रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस है। तो हम इसको यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैं तीनों जगह फिट करके दिखा दूँ, पहले 10 पे दिखाता हूँ, इंटू 10 पे। तो 10 पे कर लिया, अब यहाँ से मैं जीरो एडजस्ट करता हूँ अपना 10 पे करने के बाद, और अब आपकी वैल्यू चेक करा दूं आपको। तो फ्रेंड्स ये 12 के की रेजिस्टेंस है, तो अब भी ये 1 के से ऊपर नहीं उठ रही, ठीक है। 1 के देखिए इन्फिनिटी से थोड़ा सा ऊपर तो आ रही है ये, लेकिन 1 के तक नहीं पहुंच पा रही, ये देखिए। तो इसका मतलब अभी भी ये काफ़ी बड़ी है। अब इसे मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ इंटू 100, 100 पे फिट कर दी मैंने ये। और अब आपको दिखा दूँ इसका डायल, पहले जीरो कर लेता हूँ 100 पर ले जाके, और ये चेक करा दूँ आपको। तो ये देखिए 100 से ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे आके रुक रही है अपनी सुई 125 से नेक थोड़ा सा पीछे, देखिए 125 होता है इसमें, तो आपको दिख जाता डंडा, तो उससे थोड़ा सा पीछे रुक रही है, यानी 120 के करीब रुक रही है। तो 120 को हम जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया हमारा, 12000। तो 12000 इक्वल टू 12। लेकिन और एग्जिट वैल्यू जानने के लिए अब इसे मैं कर देता हूँ 1 पे। तो देखिए ये 1 पे कर दी, अब जीरो एडजस्ट कर लेता हूँ, ये सेलेक्टर स्विच मैंने 1 पे करके। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी अच्छी तरीके से आएगी। तो यहाँ पे लगाया और ये देख सकते हो आप, देखिए कहाँ पे जाके रुक गई, 10, 11 और 10 से यहाँ पे आके 10, यहाँ 11 और यहाँ 12। अब देख लो 10 से 20 तक की दूरी पे आप देखोगे तो ये हो गया अपना 10 से 20। इसको फॉलो करेंगे, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, 12 × 1000 1 किलो ओम, तो 12 किलो ओम की ये रेजिस्टेंस होगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसे रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो इजीली। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस और चेक करके दिखा दूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये 2.2 ओम की रेजिस्टेंस है, तो हम इसे कहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे तो चेक कर नहीं सकते ना, यहाँ पे कर सकते, ये काफ़ी आगे चला जाएगा, देखिए कुछ पता नहीं चल पाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन दिखा रहा है तो समझ जाइए रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी है। अगर ये यहाँ आ जाता है डायरेक्ट लगा दे तो इसको घटाना है, नीचे की तरफ लाना है इसको इस तरीके से, और ये यहीं रुकी रहती है तो इसको इस तरीके से बढ़ाना है ऊपर को, और फिर ये एडजस्ट जीरो करनी है। तो 2.2 को हम यहाँ पे चेक करेंगे 1 पे, और जितना भी वैल्यू आएगा वो इसकी करेक्ट वैल्यू होगा, चाहे आप उसमें 1 का गुणा कर दो तब भी वो इतना ही रहता है। तो यहाँ पे ये ले गया मैंने, और अब इसको मैं सेलेक्ट जीरो कर लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट जीरो हो गया 1 पे रेट सेट करने के बाद। और अब आपको इसकी टेस्टिंग दिखा दूँ इस रेजिस्टेंस। तो देखिए जैसे ही मैं इसको टच कराता हूँ यहाँ पे, तो देखिए ये कहाँ पे पहुँच गई, 2 से 1 डंडा आगे, यानी ये 2 हो गया अपना, और 2 से 1 आगे कितना हो गया हमारा, 2.20, यानी 2.2 × 1 करेंगे तो 2.2 ही रहेगा। तो एकदम करेक्ट वैल्यू इसने दिखा दी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आपको चेक करके दिखा दूँ, तो ये मेरे पास 680 ओम की रेजिस्टेंस, 680 किलो ओम
देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ 1 ओम की पे, तो कुछ असर नहीं हो रहा, यानी रेजिस्टेंस कुछ असर नहीं कर रही। तो इसको घुमा लेते हैं यहाँ पे, अब भी कुछ नहीं हो रहा, देखिए अब थोड़ा सा हिल रहा है। तो अभी इसको और ऊपर ले जाते हैं इस तरीके से, देखिए यहाँ पे ले आया मैं, अब भी कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कर देता हूँ इंटू 10 पे, तो सबसे ऊपर तो यहाँ पे हिल रही है। तो अब इसे 0 एडजस्ट कर लेते हैं पहले यहाँ पे लाके, तो ये 0 एडजस्ट होगी। डिजिटल में 0 एडजस्ट करने का कोई फंडा नहीं होता। अब आपको इसे दिखा दूँ, देखिए ये मैंने लगाया और ये आ गया अपना जो है, तो ये देखिए 50 के बाद 60 और 60 के बाद 70। तो फ्रेंड्स ये करीब 70 से थोड़ा पीछे है, तो आप देखो यहाँ पे आके रुक रहा है इन दोनों को भी 60 और 70 के, तो करीब इसको मान लेते हैं 6.8। ठीक है, अब 6.8 यानी 68 हो गया, ये हो गया 68, 70 60 और 70 के बीच में आके रुक रहा है, 70 से बिल्कुल यहाँ पे आके रुक रहा है ये। अगर ये यहाँ पे रुकता तो इसको मानते 60, यहाँ पे 65 और यहाँ पे हो गया 12 68। तो 68 यानी 68 इंटू 10 तो कितना हो गया 680 किलो ओम। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 680 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो। अब बात करते हैं वोल्टेज की। तो फ्रेंड्स वोल्टेज के लिए जो हम फॉलो करते हैं वो करते हैं इसको, एसी वोल्टेज के लिए यानी 10 वोल्टेज तक 10 पे, उससे ऊपर 50, फिर यहाँ पे 250 और 1000। तो इस तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो आपको इसे जो है आपको 250 वोल्टेज चेक करके दिखा दूँ। अब आपको इसमें 0 वगैरह कुछ सेलेक्ट नहीं करना, तो देखिए मैं इसे आपको 250 वोल्टेज चेक करके दिखाऊँगा। तो आपको इसे भी समझना है, तो 250 वोल्टेज चेक करने का जो स्केल है वो ये वाला है, सेकंड वाला। आप इसमें वोल्टेज चेक कर सकते हो और ये इसकी डिजिट हो गई। देखिए 250 में आपको वोल्टेज चेक करने हैं, तो इसको फॉलो करते हुए यानी सबसे ऊपर लेके और ये इसके नंबर हो गए, ये ऊपर लेके हैं जो काले वाले हैं, ये ऊपर वाले हैं 0 50 और 100 150 और 200 और 250। तो आपको जो है जितने भी इसमें फॉलो करना है, आपको बता दूं कि जे इसमें जितने डंडे होते हैं ये होते हैं 50। आप यहाँ से यहाँ तक गिनोगे, इसमें छोटे बड़े सभी को मिला के 50 डंडे बैठेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो 50। तो जितना भी आप फॉलो करो, जैसे आपने 250 में सेट किया उसमें आपको 50 से भाग दे देना है, तो 250 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 5, यानी अपना जो डंडा है वो अब एक डंडा 5 वोल्टेज को शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बना दिया है, बड़ा डंडा जो है वो 5 वोल्टेज के लिए, आपको 250 वोल्टेज वाला दिखा दूँ, जो बड़ा वाला डंडा है वो 25 वोल्टेज के लिए यानी 25 वोल्टेज बता देगा, और जो छोटा वाला डंडा है वो 5, यानी हर एक डंडे की जो अंतर है वो 5-5 का है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप इसको फॉलो करिए, ये 250 का है और मैंने यहाँ पे बना दिया 5 10 15 20 25, ये 25 का हो गया, इसके बाद 30 35 40 45 और 50। तो 50 में आपको कौन सा फॉलो करना है, 50 वाला ही, तो ये बीच वाला, ठीक है, ये आप देख सकते हो 50। और 250 में तो आपको 250 वाला, तो ये 250 ये फॉलो करना है आपको यहाँ पे। तो अब आपको इसे वोल्टेज चेक करके दिखा दूँगा अपने मेन लाइन घर के जो वोल्टेज है वो वाला। तो फ्रेंड्स अब इसे मैं अपनी मेन लाइन को ऑन कर देता हूँ, तो 250 वोल्टेज में फिट करके मैंने अपनी मेन लाइन लगा दी। तो आप देख सकते हो करीब जो ये वोल्टेज दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 250 से, यानी मैंने 250 पे फिट कर रखा है, और 250 की रेंज में जो एक है डंडा है छोटा वाला वो 5 का है। तो आपको देखना है 250 से 5 पीछे चले जाना है, 5 डंडे पीछे, तो 250 तो ये हो गए आपके 125 130 100 यहाँ पे 200 205 210 215 220 और 225। तो ये करीब 200 वोल्टेज रीड कर रहा है अपना मीटर है अपनी मेन लाइन का। अब आपको इससे वोल्टेज थोड़े ड्रॉप करके दिखा दूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं ले आया इसको वोल्टेज को, तो देखिए यहाँ पे कितने वोल्टेज हो गए अब यहाँ पे, तो यहाँ पे आके रुक गया ये जहाँ पे 4 और 5 लिखा हुआ है, 4 और 6 के बीच में, और मैंने इसको फिट किया हुआ है 250 की रेंज में। तो ये हो गया आपका, तो यहाँ पे हो गया अपने 100 वोल्टेज जहाँ पे 4 लिखा हुआ है। आप जाओ यहाँ से 100 105 110 115 120 और 125, ये 125 वोल्टेज हो गए। अगर ये यहाँ तक आता तो ये 150 वोल्टेज हो जाते, जहाँ पे ये 150 लिखा हुआ है इसका देखोगे, तो देखिए 150 करके दिखा दूँ, तो ये 150 हो गए अपने। अगर फ्रेंड्स आपको 10 वोल्टेज से नीचे चेक करना है, आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो। आपको थोड़ा और दिखा दूँ प्रैक्टिकली, तो यहाँ पे जो मैंने वोल्टेज कर दी अपने 225, अब इसे मैं कर देता हूँ 1000 पे,
देखिए 1000 पे, तो ये कहाँ पे जाके रुक गया, आप देख सकते हो 2 और 2 से ऊपर। तो 1000 के लिए आपको ये फॉलो करना है, तो 1000 इंटू अगर आप भाग दोगे 1000 भागित 50 करोगे तो 20 उत्तर आएगा, 20 आ जाएगा। तो जो एक डंडा है छोटा वाला वो 1000 की रेंज में कितना हो गया, 20 वोल्टेज का, और जो बड़ा वाला हो गया ये 100। इस तरीके से हर एक डंडा 20 वोल्टेज की, 100, 120, 140, 160, 180 और यहाँ पे हो गए अपने 200। ठीक है, तो अपना ये डंडा कहाँ पे जाके रुक रहा है, आप देख सकते हो 20 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये यहाँ पे आके रुक गया। तो यहाँ पे कितने हो गए, 200, और यहाँ पे हो गए अपने 220 वोल्टेज। तो आप इस तरीके से 1000 वोल्टेज तक चेक कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको 10 वोल्टेज से नीचे चेक करने हैं, मैं इसको बंद करके दिखा दूं, तो आपको जो है 10 वोल्टेज पे फिट कर लेना है और फॉलो करना है जो इस वाले को, ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला जो रेड कलर का है इसको। तो इसके अंदर आप देखो कि हर एक वोल्टेज का, एक जो बड़ा वाला डंडा है ये एक वोल्टेज दिखाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस तरीके से। और ये जो छोटा वाला डंडा है ये 0.20 वोल्टेज यानी 0.20, तो इसका ग्राफ ये हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो 10 वोल्टेज तक का, यानी यहाँ पे आपके 0.20, 40, 60, 80 और यहाँ पे एक वोल्टेज। तो ये इस तरीके से पॉइंट के भी वोल्टेज बता देगा। फ्रेंड्स आपको मैंने इतनी अच्छी तरीके से समझा दिया, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आपको फ्रेंड्स इसे डीसी के वोल्टेज चेक करने हैं तो सेम ये फंडा डीसी में रहेगा, बस आपको इसको इस तरीके से घुमाना है। तो यहाँ पे मैं आपको डीसी के वोल्टेज चेक करके दिखा दूँ। मैंने ये 10 पे फिट कर लिया और यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी है ये वाली, इसके अंदर करीब 4 वोल्टेज का करंट होता है। तो अब मैंने इसको यहाँ पे फिट कर दिया और इसको लगा दिया, तो आप देख लो ये कहाँ तक जा रहा है, आपको पढ़ना है ये वाला। अब आपको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, आपको 10 पे फिट किया है तो ये वाला 10 काम आएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 आप देखो, एक सेकंड दिखा दूंगा आपको, तो 1, 2, 3 और ये 5 वोल्टेज के करीब दिखा रही है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज है। आपको दिखा दूँ ये देखिए कितनी ज़्यादा चार्ज है, तो ये फुल वोल्टेज है इसके अंदर, तो 4.80 वोल्टेज दिखा रही है, पूरे 5 नहीं है। अब भी आपको दिखा दूँ, ये देखिए 5 नहीं है, अब भी ये देखिए पूरे 5 नहीं है, थोड़ा कम है 5 से, और ये 4.80 के करीब दिखा रही है, ये थोड़ा हिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें डीसी के भी वोल्टेज चेक कर सकते हो। तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं कॉन्टीन्यूटी की, यानी कोई वायर वगैरह चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और ये आपको इस तरीके से लगाना है, और जैसे ही अपना करंट पूरा आएगा तो ये जो लाल बत्ती यहाँ पे ग्लो कर जाएगी। जैसे अपना ये वायर है आपको दिखा दूँ, तो ये लगाया मैंने यहाँ पे और ये लगाया यहाँ पे, तो देखिए कॉन्टीन्यूटी आ गई। आप इस तरीके से कॉन्टीन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स कैपेसिटेंसी ये नहीं बताते, कैपेसिटेंसी के लिए आपको डिजिटल बड़े मीटर लेने होंगे, वो आपकी कैपेसिटेंसी बताएंगे, और बजर आपका ये हो गया आप यहाँ पे फिट करके, और जैसे इन दोनों प्रोब्स में आपस में करंट आएगा तो ये बीप करेगा। तो इस तरीके से ये बजर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, बहुत ही अच्छी तरीके से ये मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया हुआ है, आप इसे देख लो और अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप दिखा दूँ। ये आपका ओम्स का हो गया, ये आपका 1000 वोल्टेज का हो गया, ये आपका 50 वोल्टेज का हो गया, उसके नीचे 250 का हो गया ये वाला स्केल, और ये आपका 10 का हो गया। ये इसका टोटल आपको दिखा दूं, इसका टोटल हो गया ये वाला, आप देख लो अच्छी तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। काफ़ी मेहनत से मैंने इसको बनाया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, चैनल नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।